नमस्कार, आप जो रहे आछो जीएसटीवी नेशनल प्लस बुलेटिन साथे हूँ मनोज। समाचार पर नजर करी तो वडा प्रधान नरेन्द्र मोदी मध्य प्रदेश में शहडोल में राणी दुर्गावती बलिदान दिवसे 1 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड नु वितरण कर्यु। वडा प्रधान मोदी आ साथे ज आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पण खुल्ली मूकी। आ दरमियान पीएम मोदी सिकल सेल एनेमिया विषे बात करता कहू कि दर वर्षे अमे सिकल सेल एनेमियानी झपेटमां आवता 2.5 लाख बाळको अने तेमना परिवारना सभ्योना जीवन बचावा माटे प्रतिज्ञा लईए छीए। साथियों, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री अमित शाह भारतीय सहकार सम्मेलन में हाजरी आपी। आ कार्यक्रम में जाहिर संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदी जणाव्युं कि देश विकसित और आत्मनिर्भर थनारा लक्ष्य पर आगळ वधी रह्यो छे। अपना दरेक लक्ष्य ने प्राप्त करवा माटे तमाम लोको प्रयास करे ए जरूरी छे। ज्यारे विकसित भारतना लक्ष्योनी वात आवी त्यारे अमे अलग सहकार मंत्रालय बनाव्यु अने बजेटमां अलग जोगवाई करी तो सहकारिताने पण कोर्पोरेट जीवी ज सुविधाओ अने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करावामां आव्या छे। पीएम मोदीए जणाव्युं छे कि वर्ष 2014 पहेला खेडूतो दावो करता हता कि तेमने सरकार पासेथी खूब ज ओछी मदद मळे छे, परंतु छेल्ला 9 वर्षमां स्थिति बदलाई छे। करोड़ों नाना खेडूतोने पीएम किसान सम्मान निधिनो लाभ मळ्यो छे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। छत्तीसगढ़ में चूंटणी प्रचार दरमियान केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह कंकर में रैली ने संबोधित करता जणाव्यु कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी समय में थई हती। तेमणे आदिवासी कल्याण माटे अलग मंत्रालय की स्थापना करी, कांग्रेस आ करी शकी नहोती। 2018 में छत्तीसगढ़ना लोकोए सरकार बदलवानुं पण पसंद कर्युं, कारण के लोकोने कांग्रेसनी गेरंटीओ पर भरोसो हतो। तो महत्वनुं छे, परंतु आ भरोसो कांग्रेसे तोड्यो। मारे तमने कहेवानी जरूर नथी कि कांग्रेस केवी रीते काम करे छे। नया राज्यों मगर कांग्रेस के कुशासन से उस समय छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रही थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, भ्रष्टाचार था, जुल्म था, अत्याचार था, लोग त्रस्त थे। अने कांग्रेस के उस समय नेताओं के खिलाफ बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते, ऐसी हालत उस समय थी। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को इस छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शन सौंपी। छत्तीसगढ़ना पूर्व मुख्यमंत्री रमण सिंह लोकसभा चूंटणी मामले निवेदन आपता कहू छे कि 2024 ने लोकसभा चूंटणी में भाजप बहुमत साथे सरकार बनावी जोईए। तो महत्वनुं छे कि छत्तीसगढ़नी बात करता रमण सिंह कहू छे भूपेश बघेल पर भरोसा न करवो जोईए। कांग्रेस पार्टी चूंटणी प्रचार माटे गमे तेने मैदान में उतारे, भारतीय जनता पार्टी ने कोई फरक पड़वानो नथी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है और इनकी बौखलाहट है। भूपेश पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। सामूहिक निर्णय के साथ साथ बाबा को ले आए हैं, टीएस बाबा ही नहीं राहुल बाबा को भी ले आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है छत्तीसगढ़ में। संसदीय बाबतों मंत्री प्रहलाद जोशी जणाव्यु कि संसद नु चौमासु सत्र 20 जुलाई थी शुरू थशे। संसद नु आ सत्र 11 ऑगस्ट सुधी चालशे। वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी ने ध्यान में राखी विपक्षी दलों बैठक करी छे, त्यारे आ मुद्दे सदन में हुबाड़ो थई सके छे।
सूत्रों पासेथी मळती माहिती प्रमाणे सत्रनी कार्यवाही जूनी संसद भवनमां शरू थशे अने त्यार पछी कार्यवाहीने नवी संसद भवनमां शिफ्ट करवामां आवी शके छे। वडाप्रधान मोदीए 28 मेना रोज दिल्हीमां नवी संसद भवननुं उद्घाटन कर्युं हतुं। तो चोमासु सत्र 23 दिवस चालशे। आ सत्र दरमियान केन्द्र सरकार दिल्हीमां अधिकारीओना ट्रांसफर अने पोस्टिंग मुद्दे बिल पण रजू करी शके छे। आ साथे ज यूसीसी बिलने पण संसदमां रजू कराय तेवी शक्यताओ व्यक्त कराई छे। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડનો મુદ્દો હાલ દેશમાં ટોપ ઓફ ટાઉન બન્યો છે। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને આમ આદમી પાર્ટી અને ઉદ્ધવ જૂથની શિવસેના સમર્થન આપી રહ્યા છે, તો કેટલાક પક્ષો એવા પણ છે કે જે યુસીસીનો સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે। આ દરમિયાન રાજ્યસભાના સાંસદ અને કોંગ્રેસ નેતા કપિલ સિબ્બલે ફરી એકવાર પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યું છે। સિબ્બલે કહ્યું છે કે પહેલા વડાપ્રધાનને દેશને જણાવવું જોઈએ કે યુસીસી માટે શું પ્રસ્તાવ છે અને તેઓ કયા મુદ્દાઓ પર એકરૂપતા ઈચ્છે છે। જો તેઓ સાચું કહેશે તો વિપક્ષી પાર્ટીઓ પણ આ ચર્ચામાં પડશે, પરંતુ જ્યાં સુધી તેઓ આ પ્રસ્તાવ મુદ્દે સામે ન આવે ત્યાં સુધી કોઈ ચર્ચા કરવાની થતી નથી। પહેલે તો આપ બતાઈએ, પ્રધાનમંત્રીજી દેશ કો બતાએ કે ઉનકા પ્રપોઝલ ક્યા હૈ। વો દેશ કે સામને જો યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ કી બાત કરતે હૈ વો કિસ ચીજ પે યુનિફોર્મિટી ચાહતે હૈ एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे, बताएं तो सही। ઉત્તરાખંડના સીએમ પુષ્કરસિંહ ધામીએ યુસીસી પર પોતાનું મંતવ્ય જણાવ્યું છે। ઘણા લાંબા સમયથી યુસીસી સમિતિની રચના થયેલી છે। સમિતિએ અમને જણાવ્યું હતું કે યુસીસીનો મુસદ્દો તૈયાર થઈ ગયો છે, હજુ પણ તેના પર જે કામ ચાલશે અને તેઓ અમલ કરવાની કામગીરી હાથ ધરશે। તેમણે અસદુદ્દીન ઓવીસી બાબતે ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું કે અસદુદ્દીન ઓવીસી જેવા લોકો જીન્ના ટાઈપ સંસ્કૃતિ લાવવા માંગે છે। દેશના પીએમ છે તે આગળ ભારતને સમગ્ર વિશ્વમાં આગવી ઓળખ અપાવી રહ્યા છે। દેખીએ, કોંગ્રેસ ને હમેશા તુષ્ટિકરણ દેશ કે અંદર કિયા હૈ। કોંગ્રેસ ને હમેશા લોગો કો બાંટને કી રાજનીતિ કી હૈ, હમેશા વોટો કે લિયે કામ કિયા હૈ, અપને પરિવાર કે લિયે કામ કિયા હૈ, એક વંશ કે લિયે કામ કિયા હૈ, ઓર હમેશા જિન્હોને તુષ્ટિકરણ કિયા હો વો સશક્તિકરણ કો કૈસે અપના સકતે હૈ। ઇસલિયે હમારા યે જો યુસીસી હૈ वो संतुष्टिकरण भी है और सबका सशक्तिकरण भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय बात करता मेघालयना मुख्यमंत्री कोनराड संगमाए जणाव्यु के भारत त्यानी विविधता माटे जाणीतो छे, यूसीसी त्यानी विरुद्ध छे, कौमी भाईचारो अने एकता भारतना लोकोनी ताकात छे। બિલનો ડ્રાફ્ટ જોયા વગર ટિપ્પણી કરવી યોગ્ય નથી, પરંતુ આપણી સંસ્કૃતિને પણ બદલી શકાય નથી। તો રાજકીય પક્ષ તરીકે અમને લાગે છે કે ઉત્તર પૂર્વી ભારતની પોતાની અલગ સંસ્કૃતિ છે અને અમે તેમાં ફેરફાર ઈચ્છતા નથી। It goes against the actual idea of India itself. India is a diverse nation and the diversity is what is our strength. Of course, we don't know what will happen in the sense that whether what kind of bill will come out, if it does come out. So without seeing the actual content of a draft, if it comes out, it will be difficult to go into details. But as I said, from a basic concept point of view, as I said, we are a matrilineal society, for example, and that is what our strength has been and that is what our culture has been. યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ વિશે વાત કરતા કેન્દ્રીય મંત્રી વી મુરલીધરને આરોપ લગાવ્યો છે કે કેરળમાં સીએમ લોકોને વિભાજીત કરવા માંગે છે। મુખ્યમંત્રીએ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવું જોઈએ। કોર્ટે પણ યુસીસી લાગુ કરવાની ભલામણ કરી છે। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ દેશના તમામ લોકોને કલ્યાણ માટે લાવવામાં આવશે। યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ બંધારણના અનુચ્છેદ 14 મુજબ છે, જેમાં સમાનતાની વાત કરવામાં આવી છે। કેરળના મુખ્યમંત્રી રાજનીતિ કરવા માંગે છે અને તે માટે જ આ પ્રકારના વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપે છે। સીએમ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ડિવાઇડ ધ પીપલ ઓન કમ્યુનલ લાઇન્સ
he being a constitutional position, he should desist from such moves. Uniform civil code is something that the constitution envisages. That is something that the courts have been asking. And it's for the well-being of every citizen of this country, which is ensured by under the Article 14. So that equality of rights, that is what the Uniform Civil Code will ensure. संसद ने स्टेन्डिंग कमिटी में 3 जुलाई ना रोज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा थई शके छे त्यारे कांग्रेस पार्टीए पण यूसीसी मुद्दे चर्चा करवा माटे बैठक बुलावी हती। आ बैठक सोनिया गांधी ना दिल्ली स्थित निवास स्थान पर योजाई। सरकार संसद ना आगामी सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा मुद्दे बिल सदन में रजू करी शके छे। कायदा पंचे यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दे अलग अलग पक्षों पासेथी अभिप्राय मांग्या हता। वडाप्रधान मोदीए पण यूनिफॉर्म सिविल कोड विशे वात करता जणाव्युं कि आ बिल मामले मुस्लिम समुदाय ने उश्केरवामां आवे छे। जे लोको यूसीसी नो विरोध करे छे तेओ वोट बैंक नी राजनीति करी रह्या छे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ना निवेदन पर आकरा प्रहार करता राजस्थान सरकार ना मंत्री प्रतापसिंह खजरियावासे जणाव्युं छे कि कन्हैयालाल नी हत्या करनार आरोपीओनी एनआईए नहीं परंतु राजस्थान पोलीसे धरपकड़ करी हती। राजस्थान पुलिस अने प्रदेश ने सरकार लोकोना मर्म ने समझे छे। कांग्रेस पार्टी डायलॉगबाजी में मानती नथी, तेनी जग्याए अमारू काम बोले छे। मंत्रीए दावो कर्यो हतो के राम अने काम कांग्रेसनी साथे छे। कर्नाटक ने चूंटणी में पण भाजपे दावो कर्यो हतो के तमाम रेकॉर्ड तूटशे, पण त्यां कांग्रेसनी जीत थई हती। तो पेट्रोल डीजल अने घरेलू गैस सिलिंडरना भाव वधवाथी लोको त्रस्त छे। आगामी राजस्थान विधानसभा की चूंटणी में कांग्रेसनी जीत थशे। एनआईए ने गिरफ्तार नहीं किया, राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किया और राजस्थान की पुलिस ने विद इन घंटों में गिरफ्तार कर लिया। इसलिए राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार जनता के मर्म को भी समझती है। हम डायलॉगबाजी से बात नहीं करते, हमारा काम बोलता है। राम और काम कांग्रेस के साथ है, इसलिए कहीं भी बीजेपी कितनी भी डायलॉगबाजी कर दे, लेकिन बीजेपी ना तो अपोजिशन की भूमिका राजस्थान में निभा पाई, ना बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां बता पाई। एआईएमआईएम ना चीफ असदुद्दीन ओवैसी ए फ्रांस में रमखाणों पर यूपी सीएमओ द्वारा करवामां आवेला ट्वीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशान साध्यू। एक व्यक्तिए सीएम योगी ने फ्रांस मोकलवानी मांग करी, तो जेना पर ओवैसी ए ट्वीट कर्यु हतु के भाई भाई शू तमे फिरंगीओना वखाणना एटला भूख्या छो कि नकली एकाउंट थी ट्वीट थी खुश थई रह्या छो। ओवैसी ए वधुमां जणाव्यु के खोटा जे एकाउंट छे ते गैरकायदेसर बुलडोजर की कार्यवाही और नबड़ाओं ने निशाने बनावू ए परिवर्तनकारी नीति नथी, तो ते लोकशाही नो विनाश छे। अमे लखीमपुर ख्यारी अने हाथरस में योगी मॉडल नु सत्य जोयु छे। भीम आर्मी ना नेता चंद्रशेखर पर हुमलो करनारा चार हुमलाखोरों की पुलिसे धरपकड़ करी छे। पुलिसे हुमलाखोरों की अंबाला थी धरपकड़ करी। एवं कहेवामां आवी रह्युं छे कि चंद्रशेखर पर हुमलो करनाराओ अंबाला कोर्ट में सरेन्डर करवानी तैयारी करी रह्या हता। धरपकड़ करायेला हुमलाखोरों में 3 देवबंदना रणखंडी गामना रहेवासी होवानुं सामे आव्युं छे। एवं कहेवामां आवी रह्युं छे कि तेमांथी एक शख्से जेलर पर हुमलो कर्यो। आ शख्स 15 दिवस पहला जेलमांथी बहार आव्यो छे। एसटीएफ अने उत्तर प्रदेश पोलीसे यूपीना देवबंद में आजाद समाज पार्टी ना बड़ा चंद्रशेखर आजाद पर थयेला खूनी हमला ना संबंध में अंबाला ना जे शहजादपुर में अग्रवाल ढाबा मांथी 4 लोकोनी धरपकड़ करी। आसामना मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्माए मणिपुरनी स्थिति बाबते जणाव्यु कि मने लागे छे कि मणिपुरनी स्थिति दिवसे ने दिवसे सुधरी रही छे। मने लागे छे कि एक अठवाडियामां के 10 दिवसमां वधु सुधारो देखाशे। कांग्रेस मणिपुर बाबते अवाज उठावे छे, परंतु मणिपुरमां लगभग शांति स्थपायेली छे। तेमणे त्यारे आवानी जरूर हती ज्यारे मणिपुर भड़के बढ़तुं हतुं, तो त्यारे तो कोई कांग्रेसी आव्या नहीं अने अवाज उठाव्यो नहीं। हवे ज्यारे मणिपुरमां जनजीवन सामान्य बन्यु छे त्यारे तेओ मणिपुरमां आवे छे। हुं तमने गेरंटी साथे कहुं छुं कि मणिपुरनी अत्यारनी स्थिति एक महिना पहेला करता घणी सारी छे। परिस्थिति घणी झडपथी सामान्य बनी रही छे। The Congress is crying about Manipur when relative peace has come.
they should have cried when there was a volatile situation. That point of time they did not go on to Manipur, neither they commented on Manipur. Now Manipur is almost limping back to normalcy. Now they are talking about Manipur. I can tell you with guarantee that there is a mass improvement of Manipur situation than what was before 1 month back. समाजवादी पार्टीना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादवे कह्युं छे के भाजपना कथित विकासनुं सत्य वरसाद आवानी साथे ज सामे आव्युं गयुं। एक सपनुं बताव्युं हतुं ते सपनुं सपनुं ज रही गयुं। भाजपना शासनमां एक पण स्मार्ट सिटी बनी नथी। भाजप सरकार स्मार्ट सिटीना नामे छेतरपिंडी करी रही छे। गटरना गंदा पाणी रस्ता उपर वही रह्या छे। काशीमां पाणी भराई गया छे। घणी जग्याए स्वच्छताना नामे कादव देखाई रह्यो छे। खाडावाळा रस्ताओ अकस्मात सर्जी रह्या छे। रखड़ता पशुओंना हुमलामांथी अनेक लोकोना जीव गया छे। तो मां गंगा ने बुलाया है ना सूत्रोच्चार करनाराओए नमामि गंगे योजनामां गंगाना नाळामां जे फेरवी दीधी छे। तो फूल वरसावानो खेल करनार भाजप सरकारे भक्तोने गंदा पाणीमां स्नान करवा मजबूर कर्या छे। तो हवे समग्र देश में तमाम पंचायतों डिजिटल थवा जई रही छे। 15 ऑगस्ट थी तमाम पंचायत में विकास कार्यों थी लेने रेवेन्यू कलेक्शन सुधी तमाम में डिजिटल चुकवणी फरजियात थई जशे। पंचायती राज मंत्रालय आ विशे जानकारी आपी। राज्य अने केन्द्र शासित प्रदेशों ने लखेला पत्र में मंत्रालय जणाव्युं छे के राज्य में मुख्यमंत्री सांसदों अने धारासभ्यों जेवा लोकोनी हाजरी में यूपीआई अनुरूपे पंचायतोनी जाहेरात करवी जोईए અને તેનું ઉદઘાટન કરી તે સિસ્ટમને આપવા માટે હાકલ કરવી જોઈએ। પંચાયતી રાજ મંત્રાલયના સચિવ સુનિલ કુમારે જણાવ્યું લગભગ 98% પંચાયતો છે તેમાં પહેલાથી યુપીઆઈ આધારિત ચૂકવણી કરવાનું શરૂ છે। બુલધાણા બસ દુર્ઘટના મુદ્દે વડાપ્રધાન મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। પીએમ મોદીએ બસ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિના પરિવારજનોને 2 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય ચૂકવણીની માંગ કરી છે, જ્યારે ઇજાગ્રસ્તોને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી 50,000 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે। મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ પણ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિના પરિવારજનોને 5 લાખ રૂપિયા આર્થિક સહાય ચૂકવવાની જાહેરાત કરી। આ દુર્ઘટનામાં કુલ 25 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં બાળકો પણ સામેલ છે। તો બુલધાણાના જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર એચપી તુમુડે હોસ્પિટલમાં જે સારવાર મેળવી રહેલા લોકોની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા। સબની ઓળખ કરી પરિવારને સોંપવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ છે। पच्चीस डेथ हो चुकी है अभी तक। उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सभी डेड बॉडीज हम अभी तो बुलढाणा सीएस में रखे वाले हैं। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में वो डेड बॉडीज रखना पड़ेगा। डीएनए आइडेंटिफिकेशन के बाद वो रिलेटिव को हम हैंडल। सर, बुलढाणा सिविल हॉस्पिटल में कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो कहाँ कहाँ बॉडी शिफ्ट की जाएगी? हमारा प्लान चल रहा है, जहाँ तक होता है खामगांव के लिए कहीं डेड बॉडी शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ अकोला में शिफ्ट करना पड़ेगा, अमरावती में भी कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। हालांकि जब तक बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है हम रिलेटिव को बॉडी हैंड ओवर नहीं करते। ઉદ્ધવ ઠાકરે સમૂહની શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે બસ દુર્ઘટના વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે બુલધાણામાં એક્સપ્રેસ વે પર બનેલી દુર્ઘટના ખૂબ જ દર્દનાક છે। આ દુર્ઘટનામાં 25 લોકોના મોત થયા છે। ચાલુ વર્ષ દરમિયાન આ માર્ગ પર ઘણા અકસ્માત અને દુર્ઘટનાના બનાવ બન્યા, તેમ છતાં સરકારે આ મુદ્દે કોઈ ખાસ ધ્યાન આપ્યું નથી। મહારાષ્ટ્ર સરકારે મૃતકોના પરિવારજનોને 5 લાખ રૂપિયા આર્થિક સહાય ચૂકવવાની જાહેરાત પણ કરી છે। आज समृद्धि महामार्ग पर जो अपघात हुआ है बहुत ही दर्दनाक और दुर्दैवी है। 25 या 26 लोगों की मौत की खबर बहुत ही चिंताजनक है। गत एक साल से इस रोड पर बार बार इस प्रकार के अपघात हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और सरकार उस बारे में अनदेखी। फिर अमदावाद समाचार में स्वागत है। अगर बात करिए तो हवामान विभाग द्वारा आ अठवाडिये लगभग तमाम राज्य में भारे वरसाद की आगाही कराई छे। हवामान विभाग ना जणाव्या अनुसार आगामी 24 कलाक में मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित अन्य 17 राज्य में भारे वरसाद की संभावना छे।
आ तरफ केन्द्रीय गृह प्रधान अमित शाह स्टेट डिजास्टर रिस्पोन्स फंड हेठ 19 राज्यों की सरकारों ने करोड़ों रूपया की फाड़वनी की मंजूरी आपी है। आ भंडोर उपयोग चौमा में राहत और बचाव कार्य कर तो वरसाद थे नुकसानी की बात करिए तो छेला एक सप्ताह में वरसाद 24 लोगों मौत थे जयरे 43 लोग घायल थे जयरे 350 पशुओं मरिया गया छेला एक सप्ताह में 20,000 थी वधु लोग पूर की झपेट में आया छे। तो हिमाचल प्रदेश में भारे वरसाद ने कारण पूर की स्थिति सर्जाई छे। आ विषे बात करता हवामान विभाग वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्माए जणाव्युं कि प्रदेश में 1 जुलाई थी हड़बा थी मध्यम प्रमाण में वरसाद थवानी संभावना छे। आ साथे ज राज्यना अनेक क्षेत्र में पण गाजवीज साथे वरसाद पड़ी सके छे। तो पालनपुर में 41 मिमी ज्यारे स्लीपर में 48 मिमी वरसाद पड़ो छे। आ स्थिति ने कारण प्रदेश में महत्तम तापमान सामान्य करता 2-3 डिग्री सेल्सियस ओछू रही सके छे ज्यारे लघुत्तम तापमान सामान्य रहे एवी संभावना छे। 1 तारीख को प्रदेश के मतलब अधिकांश स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है, स्पेशली जो हमारे प्लेन और जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर 2 तारीख से थोड़ी मौसम में थोड़ी एक्टिविटी में कमी आएगी और इसके चलते कुछ एक स्थानों में ही मतलब बारिश होगी, आइसोलेटेड टाइप की होगी 2 तारीख को। फिर 3 और 4 तारीख को भी सिमिलर वेदर रहेगा जिसमें चलते जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ 1-2 स्थानों में बारिश होने की संभावना है लाइट टू मॉडरेट। जम्मू काश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरूआत थी चुकी है। अमरनाथ यात्रा में भाग लेना 300 जेटला यात्रियों साथ छेतरपिंडी आचरवामां आवी होवानी विगत सामे आवी छे। आ यात्री दिल्ली गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश थी जम्मू पहुंचा था। छेतरपिंडी भोग बनेला यात्रियों जणाव्यु केटलाक टूर ऑपरेटरोए अमरनाथ यात्रा ऑनलाइन पेकेज नामे तेमनुं फेक रजिस्ट्रेशन करी छेतरपिंडी यात्री यात्रियों जणाव्यु कि दस्तावेज सहित दरेक यात्री पासे थी ऑपरेटरोए 7,000 रूपया लीधा था, परंतु ज्यारे तेओ अमरनाथ यात्रा में भाग लेवा जम्मू पहुंचा त्यारे दस्तावेजों की तपास में सामे आव्यु के टूर ऑपरेटर द्वारा मोकलवामां आवेल दस्तावेज नकली था। जम्मू पुलिसे आ मामले हाल गुनो दाखल कर्यो छे अने आगळनी कार्यवाही शुरू करी छे। की तरह इस बार भी जिस एजेंट से हम कराते थे उसी एजेंट के द्वारा हमने कराया और पूरी उम्मीद से हम लोग यहाँ आए कि हम 2 तारीख का रजिस्ट्रेशन है और हम 2 तारीख को बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। पिछले 6-7 साल से हम लोग बाबा के दर्शन के लिए बड़े अभिलाषी हैं और यहाँ आके जो धोखा हमें मिला है ना उस एजेंट के थ्रू हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जो आस्था हमसे जुड़ी हुई है ना उस आस्था से हम पीछे नहीं हटेंगे। समाजवादी पार्टी ना नेता ने उत्तर प्रदेश ना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तेमनो 50मो जन्मदिवस उजव्यो। जन्मदिवस निमित्ते पार्टी ना कार्यकर्ताओं अखिलेश यादव ना निवासस्थान बाहर शुभेच्छा पाठवता पोस्टर लगाव्या। आ पैकी एक पोस्टर में अखिलेश यादव ने भावी वडाप्रधान तरीके पण दर्शाववामां आव्या। प्रदेश ना सीएम योगी आदित्यनाथे पण अखिलेश ने जन्मदिवस नी शुभेच्छा पाठवी। वर्ष 2024 बाद अखिलेश यादव फरीवार सत्ता में आवशे तेवी पार्टी ना कार्यकर्ताओं प्रार्थना करी। जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो समय आ चुका है 24 में जाने वाले लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अब समय विदाई का आ चुका है, जनता जाग चुकी है और अब जनता को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। हर वर्ग का इस समय इंसान जो है, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, सब जाग चुकी हैं और अब उनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है और अब समय बदलाव का आ गया है और हम किन्नरों का आशीर्वाद है उनके साथ। आने वाला समय हमारे माननीय जी का आ गया है, हम फिर उसी तरीके खुशहाली भरी एक दिवाली फिर से मनाएंगे 24।